ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଜାଣିଛ? ଜାଣି ନା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବି। ସେ ବିଷୟରେ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଗୁଣନ। ହେଲା କ'ଣ ଗୁଣନ? ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଗୁଣନ କ'ଣ, ଗୁଣନ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଗୁଣନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି। ସେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କରି ରାମକୁ ଦୁଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲି, ଶ୍ୟାମକୁ 2 ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲି, ଗୁଣକ ଆଉ ଗୁଣ ଫଳ।
गुणीय गुणक गुणक हम लिख लो गुणीय के आउ गुणक की कौन गुणीय के आउ गुणक की देखो हमारे जो ऊपर जो संख्या दिए छ ऊपर जो अंक दिए छ सी ए जो कौन गुणीय तले जो अछि से कौन है गुणक आठ
चबिशी आठ बतीशी अठंजा चालीस आठश अड़चाश आठ सत्ता छप्पन आठ अशा चौसठ पाइबा आम आठ अशा चौसठ से देख डैश गुण दस मान सतुरी दस पढ़ा सतुरी कौटे अच्छी तुम दस पढ़ा आसपुर दस पढ़ा सब सहजे नहीं दस पढ़ा सतुरी कौटे अच्छी दस सत्ता सात दस सतुरी दस सत्ता पंद्रह
बहुत सहज परिवर्तन
ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ଓ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 25 ମିଶାଣ 7 ଗୁଣନ 6 ଫେଣ 9 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୁଣନ କରିବା ଆଗ ଦେଖି ତ ଗୁଣନ କୋଉଠି ଅଛି ଗୁଣନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ଯୋଡ଼ିଦିଅ ଏଠି ଗୁଣନ ଅଛି ଏଠି ଗୁଣନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ
मजाई को मध्यम के परिवर्तन चारी को मध्यम बताओ चारी के चारी चार ने आठ है चार तीन बारह चार चो सोलह चार पंच कोड़ी है चार सो चौबीस है चार सत्ता और तीस फिर चार लगने को ताबर को देखो लेकिन पॉइंट ताकि चार के पंच पॉइंट जाएंगे तापर चार सुना चालीस इतने देखो ये हम अधिक अधिक बड़ी बड़ी जाए किया इतनी कौन है जी के पॉइंट चालीस ये कि चालीस इतने बड़ा किए पॉइंट चालीस बड़ा चालीस बड़ा सामना ये चालीस या पॉइंट चालीस इसे पाठ्य में देते पॉइंट चालीस से चालीस कितने पाठ्य के पांच बार देखो तीन में तीन चार से पांच में से पांच चार से तो ना मैं देखो तब और अपन मुझे देखो से कौन है जी कमी कमी जाए जी तो ना मैं भी जाने ले जाए ये दो टीम माध्यम के तो पाठ्य क्या हो पांच पाठ के बच्चे ना मैं भी आओ पांच पाठ के बच्चे तो चार ही लो चार ही लो पांच कम बच्चे चार से पांच बच्चे पॉइंट इस पॉइंट से पॉइंट इस लो पूरे पांच कम कर दियो तीन इस पॉइंट इस लो पांच कम कर दियो कितने हैं पच्चीस इस लेके दिए थे पच्चीस लो पांच कम कर दियो पूरी पूरी लो पांच कम कर दियो कितने हैं पंद्रह से पंद्रह लेके दिए थे मैं से ता प्रश्न आंसर है उत्तर को दे ठीक है जी ता को पूछा 6 18 30 ले देखो ठीक है ना भूल हो जी मैं बे हम करे करे 6 6 का पढ़ी का मतलब 6 के 6 6 दुने 12 ले 12 अच्छी 12 से लिखी लिखी जी लेकिन 6 दी की 18 लिखी जी 6 चौ 24 से लिखी लिखे जी लिखे 6 के 6 6 3 की 18 लिखला 6 चौ 24 से लिखिनी 6 5 30 लिखे जी तब 600 26 26 हमें कौन करबा लिखि माने से लिखिनी तब 6 26 से लिखि माने ना माने से गोटी लिखि जी गोटी छाड़ जी गोटी लिखि जी गोटी छाड़ जी देखो तेरा हमें 6 को परीक्षा के लिखि देबा देखो 6 के छ छ टाइम से लिखे छी छ दुने 12 12 से लिखे छी की 12 से लिखे ना छ त्रिक 18 18 से लिखे छी छ छ 24 24 से लिखे छी की लिखे ना छ पंच 30 30 से लिखे छी तापर 600 36 6 7 42 6 8
Okay.
वास्तविक संख्या को कितने समान है। दो या दो से कम वाली संख्या के ठीक है जी, कारण हमने बोला था संख्या 9 को लिया हमने बताया कि दो संख्या 1 को समान है कि नहीं है। तो से वास्तविक में हम कितने मिसले ए अनुसूत होगा माने मिश्रण के विपरीत कौन खेड़ा यानी को करना खेड़ा नौ दुगुना साते नौ साते वाला दो ही चलो कर पाएंगे कुछ है ना। अब तब उत्तर आपके दोनों अब ते नौ रा नौगुना नौ रा नौगुना ये सत्ते इसी जो को करते तह जेतो कि नौ बजे पर ही लो किसी असुविधा है ना मतलब कौन करेगा पच्चीस।